Hi guys, welcome to Roasters Devil. My name is Pankaj Sangila. So let's we talk about our new topic, and my new topic is based on my profession and my YouTube channel. So let's go. Guys, आज सुबह मैं और मेरे फादर बात कर रहे थे, तो बात करते करते उन्होंने मुझे कहा कि आप चैनल में अपने वर्क की इंफॉर्मेशन दिखाओ, उससे आपको अपने वर्क में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मैंने उनकी बात सुन के पहले तो मैंने विचार किया कि मैं उनकी बात के ऊपर गौर करता हूँ और अपने प्रोफेशन के बारे में भी बताता हूँ। पर गाइज, मैं आज बताना चाहता हूँ आपको, मैं वैसे प्रोफेशनली एक 3D आर्टिस्ट हूँ और ये मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं एनिमेशन करूँ, 3D करूँ। तो मैं 3D करता हूँ, मैं सिविल वर्क करता हूँ, लेकिन मैं उनकी बात से कहीं ना कहीं असहमत हो गया, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा सकता हूँ कि जैसे आप मेरे फादर ने मुझे ये एक्सप्लेन किया, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर वो एज ए प्रोफेशन एक सिंगर है, अगर मैं उन्हें कहूँ कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक आपने सिर्फ गाना ही गाए जाना है, तो आप बोर हो जाओगे गाइस, कहीं ना कहीं तो आप बोर हो ही जाओगे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी अकेले की नहीं होती, ये हर किसी की प्रॉब्लम है। उसे कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है कि वो अपना माइंड फ्रेश कर सके। सो मैं यूट्यूब में माइंड फ्रेश करने के लिए ही वीडियोज़ नहीं बनाता, उसमें इंफॉर्मेशन भी होती है, इन्फॉर्मेशन लाइक उसमें साइंस की इन्फॉर्मेशन होती है जो मेरा सब्जेक्ट है वैसे, पर मैं हर टाइम आर्किटेक्चर में नहीं घुसा रहना चाहता, इसलिए मैं उससे कट ऑफ करने के लिए कुछ टाइम यूट्यूब यूज़ करता हूँ, जो मेरे लिए अच्छा भी है। और मैं वीकेंड भी ही करता हूँ ये सब कुछ, लेकिन आज मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने सुबह सुबह अपने प्रोफेशनल टाइम में से वीडियो बनाई, लेकिन आज वो बात मुझे बार बार काम करते हुए खटक रही थी कहीं ना कहीं कि मुझे एज ए प्रोफेशनल भी यूट्यूब को बनाना चाहिए। तो गाइज, मैं इसमें ना ही कहूँगा, क्योंकि मैं एज ए प्रोफेशन काम कर रहा हूँ तभी मैं यूट्यूब नहीं कर सकता और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए जो दिन मैंने जिस दिन मुझे मैं ऑफिस ऑफ रखता हूँ उस दिन मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो उसी दिन ही मैं ये काम करता हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने प्रोफेशन में पूरा क्लियरली उसको समझने की कोशिश करता हूँ, अपने क्लाइंट की बात को समझने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो मेरे से जो एक्सपेक्ट कर रहा है मैं उसे दे पाऊँ, और मैं बदले में उसकी आउटपुट के रिगार्डिंग मैं यूट्यूब की वीडियो नहीं ना बना सकता, क्योंकि वो वीडियो मेरा ध्यान उस वीडियो पे हो जाएगा और मैं प्रोफेशनली वो काम नहीं कर पाऊँगा जो मैं उसे आउटपुट देना चाहता हूँ। तो मेरा तो जवाब इस लिए ना ही है, लेकिन गाइज मैं आपके ओपिनियन जरूर चाहता हूँ इस बात के ऊपर कि आप क्या सोचते हैं कि यूट्यूब का एज ए करियर बंदा फुल टाइम अगर वो नहीं करना चाहता तो वो ना करे, तो वो अपने प्रोफेशन की बात समझाना ज़रूरी है या नहीं। तो गाइज, इस टॉपिक के ऊपर आप मुझे अपने ओपिनियंस जरूर दें, मुझे कमेंट करके बताएं कि प्रोफेशनली बंदे को जो काम कर रहा है उसी की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो, या वो अपने एंटरटेन के लिए कुछ और भी कर सकता है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।